फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आप 50,000 या 50,000 से ज्यादा अमाउंट का चेक किसी को पेमेंट के लिए देते हैं तो आपको अपने चेक की डिटेल को बैंक के साथ कैसे शेयर करना है। जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1 जनवरी 2021 से बैंक चेक से पेमेंट करने के नियम में कुछ बदलाव किया गया है। अब अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट का चेक किसी को पेमेंट के लिए देते हैं तो आपको उसका चेक देने के साथ ही साथ जो आपके चेक की डिटेल है वो डिटेल भी आपको अपने बैंक के साथ शेयर करनी होगी। इस नए नियम को नाम दिया गया है पॉजिटिव पे सिस्टम। तो अगर आपके चेक का अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा और 5 लाख से कम है तो पॉजिटिव पे सिस्टम आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं और आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके चेक का अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपके लिए पॉजिटिव पे सिस्टम कंपलसरी है। आपको अपने बैंक चेक की डिटेल अपने बैंक के साथ शेयर करनी ही करनी होगी। आप अपने चेक की डिटेल कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बैंक के साथ शेयर कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM या SMS की सुविधा का इस्तेमाल करके अपने चेक की डिटेल बैंक के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके अपने चेक की डिटेल बैंक के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए पहला काम तो आपको ये करना है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक के नेट बैंकिंग में आपको लॉग इन करना है। चलिए आगे का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेट बैंकिंग में लॉग इन कर लिया है, अब आपको क्या करना है, आप ये ऊपर कई सारे ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें आप ये देखिए, एक ऑप्शन है सर्विसेज का, सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे ये कई सारे ऑप्शन ओपन होकर के आ गए हैं। इसमें आप देखिए, सबसे नीचे से एक नंबर ऊपर ये लिखा हुआ है पॉजिटिव पे सिस्टम, तो पॉजिटिव पे सिस्टम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको चेक रजिस्टर का ऑप्शन ओपन होकर के दिख जाएगा, तो चेक रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चेक रजिस्टर पर क्लिक करके ये देखिए चेक इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको जिस अकाउंट का चेक देना है वो अकाउंट सेलेक्ट करना है, चेक नंबर, अमाउंट कितना है, पेई का नाम क्या है, चेक पर डेट कितना है और MICR कोड क्या है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। MICR कोड आपको अपने चेक पर ही मिल जाएगा, आपको अपने चेक पर ही चेक नंबर और MICR कोड ये दोनों डिटेल मिल जाएंगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए चेक पर ही आपका चेक नंबर और MICR कोड दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आप मैसेज देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन विद रेफरेंस नंबर दिस इज इन रिजेक्टेड स्टेट। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन चेक की शेयर की वो रिजेक्ट कर दी गई है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने MICR कोड यहाँ पर गलत इंटर कर दिया था। ऐसा मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए किया जिससे कि आपको ये पता रहे कि अगर आप कुछ भी जरा से भी मिस्टेक करते हैं चेक नंबर डालने में, MICR कोड डालने में, तो ये जो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखिए स्टेटस दिखा रहा है फेल्ड रिक्वेस्ट। अब क्या करते हैं, तो फिर इसको रिटर्न पर जाते हैं और सही डिटेल भर देते हैं यहाँ पर। तो फिर से मैंने पूरी डिटेल भरी और फिर से अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाला। उसके बाद अब आप देखिए ये जो मैंने डिटेल भरी है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। इज इन एक्सेप्टेड स्टेट का मैसेज आ रहा है और स्टेटस में भी आ रहा है रिक्वेस्ट रिसीव्ड। बैंकिंग से आप अपने बैंक चेक की डिटेल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हैं जैसे मोबाइल बैंकिंग, SMS, ATM, उन सब से आपको कैसे अपने बैंक चेक की डिटेल बैंक के साथ शेयर करनी है उसके वीडियो भी मैं जल्दी बनाकर अपलोड कर दूंगी। तब तक प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।